नमस्कार दोस्तों। तो ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने के लिए मिला है, जो कि सभी ईपीएफ मेंबर के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ही राहतमंद की बात है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अपडेट क्या है। तो उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको ईपीएफ से जुड़ी न्यू अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब न्यू अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 15 से 20 दिन हो रहा है, जो कि हम आधार कार्ड के जरिए से आप अपना यूए नंबर को निकालने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे एक इंटरनल सर्विस इरोर आ रहा था, जो कि बहुत सारे पीएफ मेंबर इसको लेकर परेशान थे ऑनलाइन में, वो अपना यूए नंबर को नहीं निकाल पा रहा था। बट दोस्तों आज मैं बता दूँ कि आज यहाँ पे 18 तारीख है और ईपीएफओ ने अपडेट किया है, और अब आप यदि यहाँ पे नाउ योर यूए नंबर पे क्लिक कीजिएगा, देन आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड डिटेल्स को फिल करके अब यहाँ से यूए नंबर निकल रहा है, जो कि इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आपको लाइव प्रूफ में दिखाता हूँ कि यहाँ पे यूए नंबर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है आपका आधार कार्ड के जरिए से। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स फिल कर लिया, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट के ऊपर में क्लिक करता हूँ, ओटीपी रिक्वेस्ट सबमिट के ऊपर में। अब जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी सेंड होगा और मेरा ओटीपी भी आ गया है। अब यहाँ पे इसको ओके कर देना है, देन उसके बाद यहाँ पे नीचे में ओटीपी को फिल करके, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर को फिल करके यहाँ पे वैलिड ओटीपी के ऊपर में क्लिक करना है। देन वैलिड ओटीपी के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ पे वो हीरो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स फिल करके यहाँ पे शाओ माय यूए नंबर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा कि यूए नंबर निकल रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे पूरा डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पूरा डिटेल्स को फिल कर लिया, अब यहाँ पे शाओ माय यूएन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है, यहाँ पे सबमिटिंग यहाँ पे रिक्वेस्ट थोड़ा सा लेट लगेगा अभी यहाँ पे आपको। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यूए नंबर हमारा यहाँ पे निकल गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना यूए नंबर को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ईपीएफ पोर्टल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी इरोर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बहुत ही आसानी पूर्वक से जैसे पहले निकाल रहे थे, सेम यहाँ पे पहले जैसा ही अभी यहाँ पे निकल रहा है। तो जाइए और आप भी अपना यूए नंबर को निकालिए, जो भी कमेंट किए थे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके अपना यूए नंबर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यही ईपीएफओ की तरफ से एक न्यू इन्फॉर्मेशन, एक न्यू अपडेट किया गया था, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अप टू डेट करा दिया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।